डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6, जो कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इस चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जिसको उर्दू में बुनियादी शुमारियात कहा जाता है। ये वर्ड शुमारियात, वर्ड शुमार से निकला है। शुमार का मतलब काउंट करना, इकट्ठा करना, मेक अ कलेक्शन, एक बड़े डाटा को छोटे डाटा में कन्वर्ट करना। सो चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। आपके सामने ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं, ये स्टूडेंट्स अगर आप इसको काउंट करें तो ये टोटल 39 नंबर्स हैं। अब अगर हम इसका पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करें, पढ़ें, तो स्टूडेंट्स गौर से सुनना है। आप मेरे साथ अपनी बुक्स निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से लिखा है, द फॉलोइंग डेटा मतलब ये डेटा जो दर्ज जैल है, जो दिया गया है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। वेरियस का मतलब है स्टूडेंट्स मुख्तलिफ खानदान, वेरियस फैमिलीज यानी मुख्तलिफ खानदानों में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो ये है। किसी खानदान में 9 नंबर ऑफ मेंबर्स है, किसी में 11 है, किसी में 4 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, किसी में 12 भी है। इस बात से हैरान नहीं होना स्टूडेंट्स, बहुत से खानदान ऐसे हैं जहां पर 12-12 मेंबर्स हैं। एक खानदान में 12-12 लोग हैं, दर्जन दर्जन। सो 11 भी हैं, पूरी क्रिकेट टीम भी किसी खानदान में हो सकती है। सो ये आपको डाटा गिवन है मुख्तलिफ खानदानों का, 39 फैमिलीज का। आपने करना क्या है? क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है, इसका मतलब है तकसीम करना। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस सारे डाटा को हमने तरतीब देकर, डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस डाटा की कैसे निकलती है। अब देखें, जैसे 4 लिखा है तो देखना है कि जो फैमिलीज हैं, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 4 है, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 9 है, और कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 12 है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लेट करेंगे, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू। अब ये डाटा स्टूडेंट्स, इस डाटा को अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं, अनग्रुप्ड। और एक डाटा हमें जो अगले क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा उसमें ग्रुप्ड डाटा होगा। सो ये अनग्रुप्ड डाटा है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। सो आपके पास जो क्वेश्चन में लिखा है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, सो यहां पर जो एक्स है इसको हम नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे। जी, एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स। सो आपके पास ये सारे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, हम यहां पर कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा हमारे पास एक्स का, यहां पर एक्स की वैल्यूज आएंगी। उसके बाद सेकंड कॉलम हमारे पास होगा टैली मार्क्स का, ये मैं आपको बताऊंगा जब इसकी बारी आएगी। उसके बाद हमारे पास एफ का कॉलम होगा, और फिर
कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक और चीज फाइंड करनी है, वो है ऑल्सो फाइंड क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज। स्टूडेंट्स, हमने क्यूम्यूलेटिव यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी एफ भी लिखते हैं, ये क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। जी, सबसे पहले आपने इस डाटा में द स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, सबसे छोटा जो नंबर है। जी, टू से छोटा वन हो सकता है, क्या इसमें वन मौजूद है स्टूडेंट्स? नो, इसमें वन नहीं है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इस डाटा में स्टूडेंट, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है टू। इसके बाद देखना है द बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर इनमें से देखेंगे तो आपको 12 मिलेगा। 12 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 2 से स्टार्ट करके आपके पास जो नंबर्स हैं वो है 12 तक। 2 के बाद 3 भी इसमें मौजूद है, फिर 4 भी मौजूद है, 5 के बाद 6 भी है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 भी है, 10 के बाद आपके पास 11 है, और 11 के बाद 12 है। सो ये सबसे नीचे हमने 12 लिख दिया। इस तरह से आपने इन तमाम नंबर्स को अरेंज करके x की वैल्यूज बनाकर लिख लेनी है 2 से लेकर 12 तक नंबर्स। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट कॉलम जो टैली मार्क्स का है। स्टूडेंट्स, हमने टैली मार्क्स लगाने हैं इन नंबर ऑफ मेंबर्स के। ये देखना है कि सारे डाटा में 2 कितनी दफा आता है, 2 को काउंट करके लिखना है, फिर 3 कितनी दफा आता है, 4 कितनी दफा आता है, यानी 2 नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है और वो फैमिलीज जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 3 हैं वो कितनी है। सो इसका आसान तरीका ये है स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से 9 को काउंट करेंगे ना, या 2 को पहले देखेंगे, तो आपके मिस्टेक करने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स इस तरह से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करके 1 by 1 देखें और साथ साथ टैली मार्क्स लगाते जाएं, तो ये आपके लिए आसान होगा। जी, ये सबसे पहला नंबर है 9। अब देखेंगे 9 किधर आता है। 9 के सामने इस तरह से एक तिरछी लाइन, एक मार्क आपने लगा देना है तिरछी लाइन का, इसको टैली मार्क कहते हैं, टैली मार्क्स। सो नेक्स्ट नंबर है 11, तो 11 के सामने एक टैली मार्क लगा दें इस तरह से। उसके बाद 4 किधर है, ये 4 के सामने आप इस तरह से लाइन लगा दें, कोशिश करनी है बिल्कुल सामने लाइन लगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 5 के सामने इस तरह से। उसके बाद 6 को टिक कर दें 6 के सामने। उसके बाद 8 के सामने। जी 4, फिर 4 के सामने 2 लाइंस हो जाएंगी। फिर 3 के सामने। फिर 7 के सामने। 7 के बाद स्टूडेंट्स 8 के सामने एक और लाइन आ जाएगी। और उसके बाद 3 के सामने एक और लाइन आ गई। नेक्स्ट 4 के सामने भी थर्ड लाइन है। 9 के सामने सेकंड लाइन आ जाएगी। इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लगाना स्टूडेंट्स, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं लगाना, आपने डायगोनल लाइन लगानी है, तिरछी लाइन। उसके बाद 9 हो गया,
9 के बाद है 12 लास्ट लाइन है, तो थोड़ा सा इधर से हटकर क्योंकि नीचे गैप कम है। जी 12 के बाद है 8 के बाद थर्ड लाइन आ जाएगी, उसके बाद 9 स्टूडेंट्स 9 के सामने थर्ड लाइन, फिर 10 के सामने अभी तक कोई लाइन नहीं लगी थी, अब फर्स्ट लाइन लग जाएगी, उसके बाद 6 के सामने एक लाइन थी, सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। जी उसके बाद 7 के सामने सेकेंड लाइन है, एक और 7 है, फिर एक और लाइन लगा दें, फिर 11 है, 11 के सामने सेकेंड लाइन आ जाएगी, उसके बाद 4 के सामने 2 लाइंस लगा देंगे। अब देखिए यहां पर जब हमने फोर्थ लाइन लगाई, स्टूडेंट्स गौर से इसको देख रहे हैं, जब फोर्थ लाइन लगाई तो एक फिफ्थ लाइन भी हमें लगानी है, तो वो इस तरह से एक और लाइन इसके आगे नहीं लगाएंगे, बल्कि फिफ्थ लाइन के लिए इसको क्रॉस कर देंगे, इन लाइंस को एक डायगोनल लाइन से इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8, ये फोर्थ लाइन आ गई 8 के सामने, फिर 4 है 4 के सामने, अब 6 लाइन, एक नया जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी 6 लाइन हम अलग से लगाएंगे। उसके बाद 3 के सामने एक और लाइन, फिर 2 के सामने फर्स्ट लाइन है, फिर 7 के सामने फोर्थ लाइन है, 9 और 9 के सामने फोर्थ लाइन है, जी और फिर 10 के सामने स्टूडेंट सेकेंड लाइन है, और फिर 9 के सामने अब देखें 9 के की ऑलरेडी 4 लाइंस हो चुकी हैं, इसलिए फिफ्थ लाइन इसको क्रॉस करके लगाएंगे, ये 5 का ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 के सामने 4 लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं, फिफ्थ लाइन क्रॉस करेंगे, और उसके बाद 6 है, और 6 के सामने 2 लाइंस हैं, और ये थर्ड लाइन आ गई, और 9 के सामने स्टूडेंट्स 1 लाइन मोर, 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 5 है, 5 के सामने एक ही लाइन थी, एक और लाइन लगा दी, और फिर 7 है, 7 के सामने एक और लाइन, ये 6 हो गया, और फिर 5 2 टाइम्स है, यानी 5 के सामने 2 मोर लाइंस लगाएंगे, ये 4 हो जाएगा, और लास्ट नंबर है हमारे पास 8, तो 8 के सामने फिफ्थ लाइन आ जाएगी। सो ये स्टूडेंट्स टैली मार्क्स है। इस तरह से आपने जो एक्स की वैल्यूज हैं उनके टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं कि इस डाटा में कितने 2 हैं, कितने 3 हैं, कितने 4 हैं, कितने 5 हैं, इस तरह से आप टैली मार्क्स के साथ इसको लिख सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, आपने ये जो टैली मार्क्स ड्रॉ किए हैं इनको काउंट करके आपने यहां पर नंबर लिख देना है, यानी कितने टैली मार्क्स हैं, 1, तो 1 लिख दिया। इसमें कितने टैली मार्क्स हैं, 3, तो 3 लिख देंगे। इसमें कितने टैली मार्क्स हैं, 6, तो इसके सामने 6 लिख देंगे। इसमें कितने टैली मार्क्स हैं, तो इसके सामने 4 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर है 3, उसके बाद है 6, फिर है 5 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 6 के बाद है 2 के बाद है फिर से 2 और फिर 1। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स आया है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकालना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो नंबर ऑफ मेंबर्स 2
जितने जिन फैमिलीज में नंबर ऑफ मेंबर्स 2 हैं वो 1 फैमिली है, जिनमें 3 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 3 फैमिलीज हैं, जिनमें 4 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 6 फैमिलीज हैं। सो इसी तरह से ये सारी है। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसका समेशन निकाले, समेशन का मतलब है सम करना है, समेशन एफ, समेशन एफ का मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना, सम करना, 1 + 3 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 3 = 17, 17 + 6 = 23 + 5 = 28 + 6 = 34 और + 5 = 39। जरा गौर करें स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम आया है वो है 39, यानी ये सारा डाटा जो है ये 39 वैल्यूज जो आपको दी गई हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, वो यहां पर प्रूव हो जाएगा। अगर आपका इन सब का जो सम है वो 39 जो डाटा का नंबर है वो आए, दैट मींस कि आपने ये टैली मार्क्स भी सही ड्रॉ किए हैं और ये नंबर्स भी आपने सही लिखे हैं। स्टूडेंट्स अब हमने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है? जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो एज इट इज आएगी, इसकी जो सेकंड वैल्यू है 3 वो इसमें ऐड कर देंगे, 3 + 1 कर देंगे, तो आपके पास जो 4 आएगा दोनों का सम, ये सेकंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद इसको नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है, यानी 6 + 4 = 10। उसके बाद ये जो सम आया है दोनों का इसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करना है, नेक्स्ट है 4 + 10 = 14। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स जो आपके पास 14 आया है उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से आपने प्लस करना है, सो नेक्स्ट है 3 + 14 = 17। इस अमल को जारी रखेंगे, नेक्स्ट नंबर है 6 + 17, ये आएगा 23, और फिर नेक्स्ट नंबर है 5 + 23, ये आएगा 28, और फिर नेक्स्ट नंबर है 6 + 28, ये आ जाएगा 34, और फिर नेक्स्ट नंबर 2 है 2 + 34, ये आएगा 36, और फिर नेक्स्ट नंबर 2 है 2 + 36 = 38, और फिर 38 को 1 में प्लस कर देंगे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास देखें जो लास्ट वैल्यू आई है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो भी स्टूडेंट्स 39 आई है। ये भी साबित करेगा जो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की है वो करेक्ट है। एक समिशन एफ सेम आना चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी है, और दूसरा आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी एंड पर वही सेम आना चाहिए। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। सो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरा समझाने का या किसी भी टीचर का समझाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने का नाम है। मैथ को जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे आपको सॉल्यूशंस, आपको स्टेप्स, आपको मेथड भूल जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद जरूर प्रैक्टिस किया करें। सो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन
अगले इस एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप उनको खुद सॉल्व करके या एग्जांपल्स को देखकर उनको खुद प्रैक्टिस करके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है आप जरूर प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का साइन जो है उस पर जरूर क्लिक करें और फिर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।